बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बम ब्लास्ट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया जिसके बाद विस्फोट हुआ। धमाके की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दरअसल विस्फोट शहर के राजाजी इलाके में हुआ। इसमें कैफे के 3 स्टाफ और 2 ग्राहक समेत 9 लोग घायल हो गए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। धमाके की वजह से प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस को धमाके वाली जगह से कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं, साथ ही एक बैटरी भी मिली है। इसके अलावा होटल में एक कस्टमर का जला हुआ बैग मिला है। मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विस्फोट की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने इसे एक रहस्यमय ब्लास्ट बताया। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जवाब मांगा है।